अभी रात के 2:15 बजे हैं और आप सोचेंगे कि मैं रात के 2:15 बजे बनारस की इन गलियों में क्या कर रहा हूँ। हालांकि मुझे उम्मीद थी कि रात के इस टाइम पे तो बिल्कुल खाली सड़कें भी नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सारे डिवोटीज इन गलियों पर हैं। उसका एक मेन रीज़न भी है क्योंकि यहाँ पर जो मंगल आरती होती है वो होती है 3 से 4 बजे, जिसके लिए आपको रिपोर्ट करना होता है 2:30। तो 2:30 बजे आपको वहाँ पे पहुँचना होता है, तब आप मंगल आरती अटेंड कर सकते हैं काशी विश्वनाथ जी के मंदिर में। लेकिन इसकी प्री बुकिंग बहुत ज़रूरी है क्योंकि बिना प्री बुकिंग के आप मंगल आरती अटेंड नहीं कर सकते। सुंदर आज दर्शन हुए काशी विश्वनाथ बाबा के, और मंगल आरती तो अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत चीज़ है। जो लोग यहाँ पर आके उस मंगल आरती में उपस्थित होते हैं वही जान सकते हैं कि क्या एक मैजिक हो जाता है उस टाइम पे। तो बहुत अद्भुत दर्शन हुए और इसके बाद मैंने जल चढ़ाया, काफ़ी देर वहाँ पर स्पेंड किया और अब मैं दोबारा यहाँ पर आया हूँ ऑफिस में और यहाँ पर रुद्राभिषेक की मैंने पर्ची कटाई है। तो 450 रुपीज़ में हमारे साथ एक शास्त्री भी जाएंगे और वो रुद्राभिषेक कराएंगे, जिसके अंदर अराउंड 40 मिनट्स का टाइम लगता है और इसमें आपको अलग से कोई पेमेंट नहीं करनी, बस आप ऑफिस से 450 रुपीज़ की टिकट कटाइए और आप रुद्राभिषेक के लिए जा सकते हैं। आज की मेरी मंगला आरती के बाद मैंने रुद्राभिषेक भी करा लिया है और ये बहुत ही अच्छे दर्शन हुए आज बाबा विश्वनाथ के। कल का कुछ पता नहीं है क्योंकि 13 तारीख को इस तरह से मोदी जी यहाँ पर आ रहे हैं, तो आरती हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। लेकिन इसमें मेरी दो जो प्रमुख आरतियाँ थी कि बाबा विश्वनाथ के दर्शन, मंगला आरती और रुद्राभिषेक, ये तीनों चीज़ें हो गई हैं और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि शायद सप्तऋषि पूजा वो भी मेरी कंप्लीट हो जाए। फ्रेंड्स, मेरे पीछे आप गंगा आरती का आनंद लीजिए सुबह बनारस पे 80 घाट पर।
क्लास में बैठ करके बैठ ले अन्यथा इसी आसन में भी वही लाभ मिलेगा। फ्रेंड्स, ऐसा कहा जाता है कि बनारस जैसी सुबह और कहीं नहीं होती, और रियली में आज मैंने आके देख लिया कि जो सुबह यहाँ होती है बनारस में वो कहीं हो ही नहीं सकती। मैं रात के 2 बजे से, इनफैक्ट 1:30 बजे से जगा हूँ और मैं इतना फुल ऑफ एनर्जी महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि आज का जो रात गुजरी है, जो सुबह हुई है, आप क्या मानेंगे इसे ना कि पहले मैं काशी विश्वनाथ मंदिर में था, वहाँ हमने हर तरह की पूजा करी, उसके बाद मैं 80 घाट आ गया, यहाँ पे 5:30 बजे सुबह आरती शुरू हो जाती है और आरती के बाद यहाँ पे एक क्लासिकल म्यूज़िक होता है, आप उसका आनंद ले सकते हैं, और उसके बाद योगा का सेशन होता है जो अभी भी चल रहा है। तो मैंने अपना योगा कर लिया है, लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ पे योगा का सेशन भी कर सकते हैं और सुबह सनराइज़ का आनंद लेते हुए आप नौकायन कर सकते हैं। तो दिस इज़ क्वाइट अमेजिंग कि एक सुबह में आपको इतना कुछ करने को मिल सकता है, और ये जो बर्ड्स हमने पीछे दिखाई दे रहे हैं आपको, तो ये भी आपका मन मोह लेते हैं। अगर आप घाट पर बैठ जाएं तो बस आप इन्हीं को देखते रह सकते हैं। बाकी आप नौकायन की कॉस्ट भी कोई ज़्यादा नहीं है, 100-150 रुपये में आपको 45 मिनट्स में यहाँ पर आप बोटिंग करेंगे और सारे जितने आसपास के घाट हैं वो देख सकते हैं। अभी यहाँ पे आज की जो सुबह हुई है, इनफैक्ट जो 80 घाट है इसका नाम है सुबह ए बनारस। तो जो सुबह सुबह बनारस को जो शानदार बना देता है ये 80 घाट, ये बहुत ही अमेजिंग जगह है। बनारस में सिर्फ इस सुबह के लिए भी आया जा सकता है।